Hello everyone, hello dear students. Today we are going to have a practical, that is we will find out the breakdown voltage of the Zener diode. Hum Zener diode ka practical aaj jo 12th physics ka ek practical hai wo perform karenge, aur is practical ko karne ke liye main Amita ma'am, Kuldeep sir aur Salman sir ka thanks bolunga lab mein practical perform karne mein. इस प्रैक्टिकल में करेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाएंगे हम और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ये हम फाइंड आउट करेंगे. ये हमारा एम है, ये रिक्वायरमेंट्स है जिसके लिए हमें जेनर डायोड, वोल्टमीटर, मिलीमीटर, रेजिस्टेंस, वन वे की कनेक्टिंग वायर्स चाहिए. और ये सब आजकल एक जेनर डायोड ऑपरेटस है उसमें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है. तो हम जेनर डायोड ऑपरेटस के का यूज़ करते हुए इसको परफॉर्म करेंगे. थ्योरी जो है, जेनर डायोड जो होता है उसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जिसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, अपद्रव है, उसकी मात्रा अधिक रखी जाती है और उससे डिप्लीशन लेयर जो है वो बहुत थिन हो जाती है, पतली हो जाती है. और इसलिए इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बहुत हमें शार्प मिलता है, यानी एकदम से एक ब्रेकडाउन होता है. अब ये ब्रेकडाउन क्या है और जेनर डायोड कैसे वर्क करता है, ये आप मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्योरीज की वीडियो जो हैं वो अपलोड की हैं, आप वहाँ से, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगा, आप वहाँ से ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिकली फंडामेंटल सब वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है जेनर डायोड का, तो वो क्लियर होगा. अभी हम प्रैक्टिकल लैब में हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जेनर का वो हम देखेंगे. थ्योरी में आपको ये सब बातें लिखनी हैं और जो करंट है उसको हम जेनर करंट बोलते हैं और जो वोल्टेज हमें मिलती है जिस पे एकदम से हम ब्रेकडाउन होता है उसे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं. सर्किट हमारा कुछ इस तरह से रहता है कि हम लोग बाग एक पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि हम एक किसी भी तरह का जो इनपुट देंगे उसकी वोल्टेज को हम बदल सकते हैं. ओके, और एक हम मिली एम्पियर लगाएंगे सीरीज में, वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल में और ये जेनरेटर लगाएंगे हम. तो ये सर्किट जो है ऑपरेटस के अंदर इनबिल्ट रहता है. हमारे पास दो तरह के ऑपरेटस इसको करने के लिए अवेलेबल रहते हैं जनरली. एक ऑपरेटस जो है वो कुछ इस तरह से देखिए रहता है. ये ऑपरेटस भी लैब में अवेलेबल हो सकता है आपको और दूसरा ये ऑपरेटस भी अवेलेबल हो सकता है. इस ऑपरेटस में जो सेकंड नंबर में मैंने आपको दिखाया, इसमें कनेक्शन सब किए हुए रहते हैं, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना. ये जो स्विच है इसको, ये रेड कलर का स्विच है, इसको रिवर्स की ओर करना होता है. और यहाँ पर दो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स भी बन सकती है, रिवर्स भी, हमें रिवर्स के लिए काम करना है तो रिवर्स में हम 10 वोल्ट पे इसको कर देंगे नीचे की ओर, इसको स्विच को हम प्रेस कर देंगे. बाकी कनेक्शन सब किए रहते हैं ऑन, सिर्फ यहाँ ऑन ऑफ से ऑन करेंगे और ये हम रीडिंग लेनी स्टार्ट करेंगे. इस नॉब के थ्रू हम यहाँ से वोल्टेज कंट्रोल करेंगे. यहाँ पर हमारे पास दो स्केल इसमें रहते हैं वोल्टेज के. हम इसमें नीचे वाला स्केल यूज़ करेंगे, लिस्ट काउंट में अभी निकालना बता रहा हूँ आपको. तो हम नीचे वाला स्केल यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर में आपको दो स्केल नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर नज़र आ रहा है वो 1 वोल्ट तक का ही है और नीचे वाला 10 वोल्ट तक का है. 1 वोल्ट वाला जो है फॉरवर्ड बायस के लिए है, नीचे वाला 10 वोल्ट तक का जो है वो रिवर्स बायस के लिए है. देखिए हमने, मैंने बताया था यहाँ पर, ये देखिए 1 वोल्ट फॉरवर्ड बायस और 10 वोल्ट रिवर्स बायस. तो हम रिवर्स बायस वाला नीचे वाला स्केल यूज़ करेंगे और मिली एम्पियर में तो एक ही स्केल है. अब इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, देखिए टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं वो हैं 50 और ये 10 वोल्ट रेंज का है तो 10/50 यानी 1/5 यानी कि 0.2 इसका है लिस्ट काउंट, 0.2 वोल्ट. ऐसे ही यहाँ पर देखें, इसका भी टोटल ये 10 मिली एम्पियर का है और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 10, 20, 30, 40, 50 हैं टोटल, तो 10/50 यानी कि ये भी 0.2 मिली एम्पियर लिस्ट काउंट है इसका भी, यानी इसका एक छोटा डिवीजन 0.2 मिली एम्पियर को बताता है, इसका एक छोटा डिवीजन 0.2 वोल्ट को बताता है. क्लियर. ऑपरेटर्स दो प्रकार के हैं, दिस वन कनेक्शन सब हुए हुए हैं और ये इसमें कनेक्शन करने रहते हैं. तो मैं आपको पहले एक वीडियो में इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और इसकी रीडिंग कैसे लेनी है इस ऑपरेटर्स की वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं जस्ट आपको साथ में एक वीडियो शो करूंगा जिसके अंदर हम ये इसमें रीडिंग कैसे लेंगे, इसमें कनेक्शन तो हुए हैं, रीडिंग कैसे लेंगे. तो दोनों का हम एक साथ जो है वीडियो देखते हैं
तो लिस्ट काउंट आपको मैंने बताया, अभी पहले लिस्ट काउंट पे देख लेते हैं हम कि लिस्ट काउंट हम कैसे काउंट कर कैलकुलेट किया हमने। टोटल जैसे हमारा 10 वोल्ट रेंज थी, टोटल डिवीजन थे 50.2 आया, ऐसे ये 10 मिली एम्पियर था, टोटल डिवीजन थे 50.2 मिली एम्पियर आया। तो लिस्ट काउंट हमने, ये सेकेंड ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस ऑपरेटर्स के लिए हमने ये, मैंने आपको बड़ा करके इनको दिखाया, इनकी हम रीडिंग्स जो है वो ले सकते हैं। इनकी हम देखिए और बड़ा बताता हूँ आपको, तो इनको आप बड़ा करके देख सकते हैं, इनके देखिए। तो ये इसका लिस्ट काउंट मैंने आपको निकालना बताया, ओके। तो लिस्ट काउंट जो है देखिए, ये मान लो ये पहले 10 खाने जो हैं वो 2 मिली एम्पियर को बता रहे हैं, तो एक खाना 0.2 को बताएगा, ओके। तो ऐसा हमने लिस्ट काउंट निकाला। अब हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल जो है इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो कनेक्शन के लिए आपको ये देखिए, पहले इस ऑपरेटर्स के कनेक्शन हम देखें कि कैसे किए जाएंगे। तो ये आपके पास डायग्राम है कनेक्शन का, इसको आप देख सकते हैं, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हम कनेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको, आप कनेक्शन समझ पाएँ। तो ये देखिए आप कैसे कनेक्शन किए हुए हैं। तो इन कनेक्शंस को देखिए, सबसे पहले हम क्या कनेक्ट करते हैं, कनेक्शंस को देख लीजिए आप। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम ये हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी से हम इसको जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को हमने ये बैटरी, क्योंकि यहाँ पर ये पोटेंशियल डिवाइडर ये रहा, ये हमारी नोब, तो बैटरी का पॉजिटिव हम जोड़ देंगे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और बैटरी का नेगेटिव जोड़ देंगे वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। अब देखिए, वोल्ट मीटर के बाद यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम देखिए, बैटरी के पॉजिटिव से रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, ओके। ये रेजिस्टेंस जुड़ चुका है। अब रेजिस्टेंस से आगे हमारे पास जुड़ा हुआ है मिली एम्पियर, इसको हम मिली एम्पियर को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो पहले जेनर डायोड को लगा के, पहले हम जेनर डायोड को लगा सकते हैं और फिर हम उसके बाद भी जोड़ सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करेगा, हम एमीटर को यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम पहले जेनर डायोड को पुट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, इसका जो सेकेंड टर्मिनल है रेजिस्टेंस का, उसको हम कोई भी जिनर, मान लीजिए हम जिनर 3 से जोड़ना चाहेंगे, तो जिनर 3 के नेगेटिव से जोड़ेंगे। देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल पहले जुड़ेगा, ओके। मैं ये मिली एम्पियर को यहाँ लगा रहा हूँ, कहीं भी लगा सकते हैं सीरीज में आप। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल मिली एम्पियर के पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो जोड़ दिया। और फिर लास्ट में मिली एम्पियर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। ये हमारे इस तरह से कुछ कनेक्शन होते हैं। मैं आपको वीडियो में भी ये कनेक्शन शो कर देता हूँ कि किस तरह से हम करते हैं। तो देखिए, कनेक्शन कुछ इस तरह से आपके पास आते हैं कि आप देखिए, पहले हम पॉजिटिव को किससे जोड़ेंगे, वोल्टमीटर के पॉजिटिव से। नेगेटिव को हम जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव को जोड़ेंगे, या हमारी ठीक है चेंजेबल जो हम पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव किससे जोड़ देंगे, इस रेजिस्टेंस आरएस से जोड़ देंगे। आरएस के कोई भी सिरे से आप जोड़ सकते हैं, तो ऊपर वाले से जोड़ दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस आरएस से एक टर्मिनल निकाल के, और हम चाहें तो मिली एम्पियर यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो हम बीच में डायोड लगा सकते हैं सीरीज में, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो हमने पहले इसके अंदर मान लीजिए ये Z3 डायोड ले लिया, कोई भी आपको Z2 भी लेना है, Z1 भी लेना है, सबकी ब्रेकडाउन अलग अलग निकलती है। अब हम इसका पॉजिटिव किस में जोड़ेंगे, अमीटर के पॉजिटिव में, और लास्ट के अंदर हम अमीटर का नेगेटिव किस में जोड़ देंगे, ये हमारी जो बैटरी थी उसके नेगेटिव में, ओके। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम पावर ऑन करेंगे, पावर हमने ऑन किया, रेड लाइट हुई, देखिए अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। और देखिए करंट अभी नहीं बढ़ेगी, करंट अभी देखिए मैं आपको स्टिल करके बता रहा हूँ, वोल्टेज देखिए इतना हो चुका है लेकिन करंट अभी तक बिल्कुल नहीं बढ़ा है। तो करंट क्या होगा, इसमें करंट एकदम जीरो से एक वैल्यू पर बढ़ जाएगा, उसी को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, है ना। वहाँ पर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज दो कारणों से होता है, एवलांश ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन। ये मैंने थ्योरीज की वीडियोज में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से इसको कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल क्लियर करें। बाकी आप यहाँ पर तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सब रीडिंग्स आपको लेनी है धीरे धीरे, ये 5-6 रीडिंग आपको शो करनी है और सब में करंट जीरो ही रहेगा, और एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिसमें करंट एकदम से बढ़ जाएगी, ओके। वो हम देख लेते हैं, वो देखिए यहाँ पर ही आ गए, तो ये वोल्टेज आ गई, ये वोल्टेज इसकी जनरल वोल्टेज है, ये वैल्यू है ऑलमोस्ट 13
13 के आसपास, तो 13 वोल्ट इसकी, इस ऑपरेटर्स की जनरल वोल्टेज है। इसमें बस ये ध्यान रखेंगे इस स्विच को, ये दो ऑप्शन है 15 मिली एम्पियर और 1.5 मिली एम्पियर, तो आपको इसको नीचे की ओर 1.5 मिली एम्पियर पे करना है, यानी हम ये वाला स्केल यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरे का भी देख लेते हैं, दूसरे को हम किस तरह से, दूसरे ऑपरेटर्स में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो दूसरे ऑपरेटर्स में जो परफॉर्म करते हैं दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल, वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं देख लीजिए। कि दूसरे के अंदर हम लिस्ट काउंट वगैरह बता दिया है, शुरू में रीडिंग देखिए दोनों में क्या होगी, जीरो पे। तो फर्स्ट रीडिंग आ गई जीरो पे जीरो, सेकंड रीडिंग इसके अंदर आ जाएगी हमारे पास, देखिए ये सेकंड रीडिंग आ गई है कि यहाँ पर अपने हमने ऑलमोस्ट लिया 2 वोल्ट के आसपास और यहाँ पर रीडिंग जीरो ही है। थर्ड रीडिंग देखिए हम कैसे लेंगे, और हम वोल्टेज को यहाँ से नॉब से इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को हमने नॉब किया, ये देखो 3 वोल्ट 4 वोल्ट पे आ गए हम, तब भी जीरो ही है, तब भी करंट कितना है, जीरो है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे हैं अब इस बार कितने पे, 6 वोल्ट पे आ गए हैं और रीडिंग अभी देखिए करंट की जीरो ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखिए 8 वोल्ट पर आ गए, कितने पर आ गए हैं हम, 8 वोल्ट पर आ गए हैं, अभी तक करंट कितनी है, जीरो ही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा एकदम से, ये देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने 8 से 8.2 पे गए आप, ठीक है, तो ये देखिए एकदम से करंट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब ये करंट देखिए काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, ये करंट काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, और ये देखिए करंट आप 8.2 पे जो है वो करंट इंक्रीज़ हो गई है। तो 8 पे करंट आनी स्टार्ट हुई थी और ये एकदम से राइज हुई, और ये देखिए यहाँ पर ये 8.2 पे करंट मैक्सिमम पे पहुँच गई है। तो 8 पे करंट स्टार्ट होती है हमारी, 8 तक कुछ भी करंट नहीं थी, 8 पर आते ही करंट स्टार्ट हुई, और 8.2 पर करंट हमने देखा कि 8.2 वोल्टेज तक बढ़ती है। उसके बाद अगर हम देखिए, अगर आप वोल्टेज को, अगर नॉब को बढ़ाते भी हैं, अब अगर आप बढ़ाएंगे भी देखिए तो भी वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, तब भी वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारा जेनर का प्रैक्टिकल इस तरह से हमारा परफॉर्म होता है। तो ये रीडिंग्स को हम नोट कर लेंगे, हमने ये रीडिंग नोट की, देखो ये रीडिंग्स थी 0, 0, 10 डिवीज़न यानी 2 वोल्ट्स पे भी 0, 4 वोल्ट्स पे भी 0, फिर 8 वोल्ट पे हमारे को थोड़ी सी करंट आई थी, 4 डिवीज़न आया, 0.8 मिली एम्पियर की करंट आई। फिर 8.2 पर हमारी करंट बढ़ गई, 25 हुई, और 8.2 पर ही करंट सभी जितने भी डिवीज़न थे सब क्रॉस कर गई, यानी अब करंट तो बढ़ रही है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ रही है, यही जिनर वोल्टेज होती है, इसको ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो इस डायोड के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, आंसर है 8.2। अब इसका ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको लिस्ट काउंट से जो भी नंबर ऑफ डिवीजन आ रहे हैं उनको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और लिखना है। तो ये जैसे मान लीजिए 10 डिवीज़न आए तो लिस्ट काउंट था 0.2, तो 2 वोल्ट आया V2 की वैल्यू। ऐसे ही हम V6 तक की सारी वैल्यूज निकाल ली हमने, और I6 तक की सारी वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, हमने एक्स एक्सिस पे एक बड़ा डिवीज़न 0.5 वोल्ट का लिया, ओके, और वाई एक्सिस पे हमने एक बड़ा डिवीज़न जो है बड़ा खाना वो 1 मिली एम्पियर का लिया। और इस तरह से देखिए पहले तो 0 पे चिपका रहेगा ग्राफ, यहीं साथ साथ चलेगा, और एकदम से 8 पर करंट आई थी हमारे पास, और 8.2 पर हमारे को ब्रेकडाउन मिल गया था। तो इस तरह से ग्राफ 8.2 पे ये वर्टिकल हो जाएगा, ओके, क्लियर। और लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें सावधानी क्या क्या रखनी है, प्रिक्वेशंस, रिजल्ट हमारा क्या है, 8.2 ब्रेकडाउन है और हमारा ये ग्राफ बन चुका है, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारी प्रिक्वेशंस है, दैट्स फाइनल। तो इस तरह से ये बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।